що в небі нас немає. Агар хам асман ме нахі хай, аур рус хай, то ве хаме асман ме рокте хай. Агар хам унке хамле ке жаваб ме хамла карте хай, то ве усе бхи рокте хай. Є баян хай Юкрейн ке чхате раштрапати Володимир Зеленський ке. Унке є лафз рус ки барти такат ке аге Юкрейн ки маджбурі ко баян кар рахе хай. लगभग 19 महीनों से चल रहे इस युद्ध में वक्त के साथ कई बदलाव नजर आए। कभी रूस हावी रहा तो कभी यूक्रेन बाजी पलटता नजर आया। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसमें यूक्रेन का जोश हाई नहीं दिख रहा है, बल्कि उसकी बातों में खीज और भय एक साथ नजर आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि रूस की बेहतर हवाई क्षमता हमारे जवाबी हमले को फेल कर दे रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो हथियार हमें सहयोगी पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं उसकी आपूर्ति की गति बड़ी ही धीमी है। हमें शक्तिशाली और लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत है जो मिल नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन ने बार बार रूस के आधुनिक हथियारों से मुकाबला करने के लिए विमानों की मांग की है, लेकिन सहयोगी पश्चिमी देश खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक झिझक साफ तौर पर नजर आ रही है। हाल ही में अमेरिका ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को देने के लिए हामी भरी थी, लेकिन अभी तक यूक्रेन के बेड़े में ये शामिल नहीं हो पाए हैं। ज़ेलेंस्की की शिकायत ये भी है कि रूस की दादागिरी के बरक्स उस पर जो प्रतिबंध लगने चाहिए उसकी स्पीड भी बहुत धीमी है। ज़ेलेंस्की इन सब बातों के साथ सहयोगी नेटो देशों के खुले मन से मदद न करने को लेकर अपनी नाराजगी पहले भी जताते रहे हैं। बेमन से मिलने वाली सहायता को लेकर हाल ही में यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता कोई खैरात नहीं है। यकीनन अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो युद्ध में इसका फायदा रूस को मिलेगा। अब तो कई जगहों से यूक्रेन की कमजोर होती स्थिति की बात भी सामने आने लगी है। पोलिश जनरल राजमुंड आंद्रेजैक ने हाल ही में नेटो देशों को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो ये नेटो की रणनीतिक खामियां और ढुलमुल रवैये का नतीजा होगा। यूएस कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि यूक्रेनी नेता रूस के साथ युद्ध हारते दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने भी दावा किया कि पिछले 3 महीनों में यूक्रेन ने अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है, साथ ही उसे 7,600 हथियारों का नुकसान हुआ है। तो जो हालात फिलहाल यूक्रेन के हैं उसमें उसकी नाराजगी अपनी जगह सही भी है। यूक्रेन के नेटो संगठन में सदस्यता को लेकर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब तक ना तो यूक्रेन को ये सदस्यता ही मिल पाई है और ना ही युद्ध में जीत के कोई आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को अगर हार का मुंह देखना पड़ता है तो उसके दोनों हाथ खाली रह जाएंगे, और साथ ही युद्ध ने जो विनाश किया है उससे उबरने में बस कई दशकों का लंबा संघर्ष रह जाएगा।